हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। ये वीडियो मैंने एक रिक्वेस्ट पे बनाया है। काफ़ी सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, लोग हैं, वो कहते हैं कि हम पावर हंग्री लोगों के बीच रहते हैं, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पीपल जो होते हैं उनके साथ हम रहते हैं, हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, कोप अप करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी डोंट हैव एनीवेयर टू गो। हम वहाँ फंसे हुए हैं, हम कैसे खुद को हील करें या कैसे कोप अप करें, तो आज का वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में हम टैपिंग करेंगे। आप टैपिंग करते करते साथ साथ वो बोल सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ, और आप अपने स्टेटमेंट्स भी, जो आपके थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैं एकदम फंसी हुई हूं, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूं, जैसी हूं वैसी खुद को स्वीकार करती हूं। हालांकि मैं एकदम फंसी हुई हूं, मैं फिर भी खुद को स्वीकार करती हूं। वन मोर टाइम। हालांकि मैं एकदम फंसी हुई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। मैं एकदम फंसी हुई हूँ लोगों के जाल में, कहीं जा नहीं सकती, यहाँ से बाहर निकल नहीं सकती, अपनी मर्जी नहीं चला सकती, फंस गई हूँ। मेरे घर में जो लोग हैं वो मुझ पर हावी हो जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, और जरा सी आवाज उठाओ तो वो और हावी हो जाते हैं। मैं उनके सामने कुछ कर नहीं पाती, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी एकता इतनी ज्यादा है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हूं, मैं कहीं यहां से जाकर कहां जाऊंगी, बिल्कुल अकेली हूं, किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती, यहां से भागकर कहां जाऊं, कहां रहूंगी, कैसे जीऊंगी, मेरे पास इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, मैं एकदम फंसी हुई हूँ। रात दिन मेरा जीवन डर में बीत रहा है, मैं क्या करूँ, बिल्कुल समझ नहीं आता। ये डर मुझे मजबूर कर देता है मुझे इन लोगों के हिसाब से चलने के लिए। मेरे अंदर में एक आवाज है जो कहती है मैं चुप नहीं रहूंगी, वो आवाज सुनने से भी मुझे डर लगता है। कभी कभी बहुत हिम्मत आ जाती है, लेकिन बात फिर पैसों की हो जाती है, मैं कहां जाऊं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा ऐसी उम्मीद है। कोई आएगा मेरी मदद के लिए अगर मैं खुद की मदद करना चाहूं तो, अगर मैं शिद्दत से कुछ चाहूंगी तो पूरी कायनात उसमें जुड़ जाएगी मेरे रास्ता खोलने के लिए। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। बस मुझे चुनना है, हिम्मत से काम लेना है, हिम्मत दिखानी है, इस डर से आगे बढ़ना है। अगर मैं खुद से प्यार करूंगी, खुद के अंदर एक हिम्मत पैदा करूंगी, इस डर से उभर पाऊंगी, तो वही प्यार, वही सम्मान, वही आदर मुझे दूसरों से भी मिलेगी। अगर मेरे अंतर मन में परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के कारण
मेरे एटीट्यूड में, मेरे रिएक्शंस में, मेरे रिस्पॉन्स में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आएगा। अगर मैं अंदर से हिम्मत वाली हो जाऊंगी तो बाहर के लोगों को वो हिम्मत नजर आएगी और वो फिर शायद मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। बस मुझे इस डर से जूझना है, इस डर के आगे जीत है। अगर मैं इस डर से उभरना चाहूंगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, शायद मैं ही कुछ सीख लूं, शायद मुझ में कोई स्किल हो जिसको मैं मोनेटाइज कर सकूं। बस रास्ते खुलने की देर है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। इस उम्मीद को मैं जाने नहीं दूंगी, इस विश्वास को मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं कर पाऊंगी, मैं इससे उभर पाऊंगी, ताकि कोई और मुझ पर हावी ना हो। मैं सम्मान से जीवन जी पाऊंगी। जरूर ऐसा दिन आएगा, शायद इसी पल में आ गया है, क्योंकि मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं खुद से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी खुद को स्वीकार करती हूँ, नए जीवन का स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इससे कोई लाभ हो सके।